What's up, Danixters? Welcome to Danix, and this is Danish Extreme, one and only on this beautiful planet Earth. So guys, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी न्यूज देने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे. बहुत ज्यादा क्या, मुझे लगता है कि अगर आप उनके फैन रह चुके हैं या फिर फैन हैं, हार्ड कोर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको 100% ये न्यूज पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज पसंद नहीं आई थी. एट द एंड ऑफ द डे ये न्यूज अच्छी नहीं है. सो दिल थाम कर बैठी वो न्यूज सुनने के लिए. और जो लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन फटाक से क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि डायनेक्स फैमिली में आप लोग भी मेंबर बन जाएं. प्लीज कर दें ऐसा. एनीवेज गाइस, बैक टू द टॉपिक. टॉपिक ये है कि एक बहुत, मतलब कि बहुत बड़ा कैरेक्टर, मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी सीरीज से, मूवी सीरीज से एक बहुत बड़ा कैरेक्टर अब वो कैरेक्टर नहीं प्ले करने वाला, अब वो कैरेक्टर नहीं रहा. वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो है ये. यस, ही इज द वन, कैप्टन जैक स्पैरो. यस, कैप्टन जैक स्पैरो. अब कैप्टन जैक स्पैरो नहीं रहेंगे. क्यों, कैसे? वो ऐसे कि जॉनी डेप, यस, जॉनी डेप जो ये कैरेक्टर प्ले करते थे कैप्टन जैक स्पैरो का, एक लेजेंडरी कैरेक्टर है ये. मतलब दिमाग में हम लोगों के बस चुका है कि इसके अलावा, जॉनी डेप के अलावा, जो भी कैप्टन स्पैरो का जो कैरेक्टर है, कि कोई कर ही नहीं सकता. अभी ये तो वही बात होगी यार कि जैसे शक्तिमान कैरेक्टर कोई और करे, यार ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है. तो सेम वही चीज़, वही फीलिंग है मेरे पास कि कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर जॉनी डेप के अलावा और कोई नहीं कर सकता. बट बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं. रीजंस ये हैं कि डिज्नी ने किसी और के साथ कुछ ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है या फिर कुछ ऐसे क्लॉजेस बन रहे हैं जिसकी वजह से जॉनी डेप जो है अब कैप्टन स्पैरो का कैरेक्टर नहीं प्ले करेंगे. इट्स अराउंड 10 years, 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कैप्टन जैक स्पैरो को, उससे भी ज़्यादा साल हो सकते हैं. जैक स्पैरो का कैरेक्टर प्ले करते थे हमारे जॉनी डेप, मतलब कि एक अलग ही ऑरा है. हर कैरेक्टर वो अच्छा करते हैं, बट जैक स्पैरो के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस है. स्पेशली मुझे उनका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी, वो ये है कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ. ये डायलॉग मतलब उनकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. ऑब्वियसली बात है, आपको बुरा लग रहा है. अगर आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट करें कि आपको क्या ये न्यूज़ अच्छी लगी. क्या जैक स्पैरो का कैरेक्टर कोई और बंदा करेगा तो और अच्छा निकल के आएगा, या कोई और बंदा कर भी सकता है? प्लीज़ कमेंट करें. अगर आप डिसएग्री करते हैं कि नहीं कोई नहीं कर सकता इसका कैरेक्टर, तो प्लीज़ जाकर आप कमेंट करें, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ. क्योंकि मुझे भी पता है कि कैप्टन जैक स्पैरो का कैरेक्टर सिवाय जॉनी डेप के और कोई नहीं कर सकता, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई सीन ही नहीं बनता यार. ये तो वही बात होगी जैसे स्पाइडरमैन का कैरेक्टर पीटर पार्कर का जो पहले निभाते थे फर्स्ट वाले पार्ट में, उसको रिप्लेस करके बाद में जो आ गए वो निभा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आया यार. भले 10 और कैरेक्टर डाल लो, 10 और एक्टर्स को डाल लो, लेकिन जो उन्होंने काम करके दिखा दिया टोबी ने, वो कोई और नहीं कर सकता है स्पाइडरमैन में भी. उसी टाइप की बात इसमें भी है, कैप्टन जैक स्पैरो कैरेक्टर कोई और नहीं कर सकता. तो इस टाइप की चीज़ें घट रही हैं. अब देखिए, कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आई थी कि एक्स मैन में से वुल्वरिन का कैरेक्टर, जो वुल्वरिन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे ह्यूज जैकमैन, वो भी प्ले नहीं करेंगे. जैसा कि देख सकते हैं लास्ट वाला जो पार्ट उसमें आया था, उसमें ह्यूज जैकमैन की, वुल्वरिन की डेथ हो जाती है. तो मतलब इसे बहुत सैड फीलिंग है कि इस टाइप की, मतलब हम देख सकते हैं कि हम लोग मूवी से जनरली क्या है ना, कि पर्सनल लाइफ में भी रिलेट करने लगते हैं, जुड़ जाते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है हर एक फिल्म के किरदारों से. हम लोगों का पर्सनल दिल से एक रिश्ता जुड़ जाता है, और अचानक से वो बंदा उस कैरेक्टर में से हट जाए और उसकी जगह कोई और ले ले, तो ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार में से किसी की जगह कोई और कोई ले ले रहा है, चेंज हो जा रही है चीज़ें. तो मेरे नज़र में ये बिल्कुल वर्थ नहीं करता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. अब देखो, ह्यूज जैकमैन का कैरेक्टर कोई और करेगा, कोई और वुल्वरिन प्ले करेगा एक्समैन में जाकर, तो ये मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं रहेगी. सेम चीज़ आप सोच लीजिए, अगर हैरी पॉटर का कैरेक्टर कोई और करता है डैनियल के अलावा, तो कैसा रहेगा? मतलब बेकार रहेगा यार फील. बचपन से देख रहे हैं जिस चीज़ को देखकर छोटे से बड़े हुए, उस बंदे को चेंज करके किसी और को डाल दोगे सिर्फ फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स, या फिर आप किसी के पैसे थोड़े नहीं बढ़ाना चाहते, या कुछ भी जो भी रीजंस हो सकते हैं क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट्स के, तो उस वजह से अगर आप नहीं करना चाहते तो मतलब फालतू वाली बात है. एक दो साल के अंदर में इस टाइप की बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड सीरीज में से हमारे उनको जो लास्ट प्ले कर रहे थे कैरेक्टर, डैनियल नाम था आई गेस उनका, अगर मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी, प्लीज़ आप उनका नाम करेक्ट करके लिखिए. जो अभी लास्ट हमारे जो है डैनियल क्रेग, यस आई एम 100% राइट. तो डैनियल क्रेग का जो हमारे हैं वो भी
छोड़ रहे हैं जेम्स बॉन्ड सीरीज, उनकी जगह में किसी और को कंसिडर किया जा रहा है, जैसे ये भी बहुत अजीब फीलिंग है। मैं तो मतलब रिलेट करने लगा था कि हम एक बोलते हैं ना कि अगर आपको होश संभाल लेने के बाद अगर आप किसी को देख रहे हैं तो उसके अलावा और किसी को देखेंगे तो मज़ा नहीं आने वाला। उसके बाद एक और मूवी है जिसके अंदर भी ऐसा कुछ घटा, पॉल वॉकर की बात कर रहा हूँ, भले अब वो नेचुरल चीज़ घटी है, पॉल वॉकर इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बात कर रहा हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज से, वहाँ पर पॉल वॉकर मौजूद नहीं आज की डेट में, वो RIP रेस्ट इन पीस पॉल वॉकर, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोग आपसे आज भी, तो उनका कैरेक्टर कोई और प्ले करने के लिए किसी को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो मज़ा नहीं आने वाला, वो फील ख़त्म हो जाएगी। तो इस टाइप की और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं घटी हैं जिसे कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए। इवन बैटमैन में भी वही चीज़ चलती है हमेशा, बैटमैन का भी कैरेक्टर पहले जो निभाते थे अब उनकी जगह में कोई और निभा रहा है, नाम बहुत ही आप लोगों को पता है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग अब अगर इस टाइप की चीज़ें घट रही हैं, चेंज हो जा रहा है, इसी सीरीज ही ऐसे बहुत लोगों ऐसी इस टाइप की चीज़ें जो घट रही हैं इस टाइप की सीरीज़ में, ये चेंज होने वाली ही बात है, बट हम लोग रिलेट करने लगते हैं तो दिल में दर्द होता है कि अगर कोई अचानक से आदमी ऐसे हट जाए और उसकी जगह में कोई और आ जाए, तो ये फीलिंग बहुत ही बुरी वाली फीलिंग है, जिस चीज़ के लिए मैं पर्सनली रेडी नहीं था कि अभी जॉनी डेप जो है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज छोड़ दें। खैर हमारे अपने इंडिया में भी एक पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का जॉनी डेप पैदा हो गया है, मतलब कि कैप्टन जैक स्पैरो पैदा हो गए हैं, वो कोई और नहीं वो आमिर खान है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आएगी, उसमें जैक स्पैरो को ही उठा के डाल दिया गया है। आई गेस मुझे पर्सनल मुझे ये लगता है, अगर आप लोगों को भी लगता है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आपको मतलब कि लो बजट जैक स्पैरो देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ जाके आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि भाई तुम्हारा बिल्कुल डायनेक्स सही बोल रहा है कि लो बजट जैक स्पैरो देखना है तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देख लो, नो हर्ट फीलिंग्स, बट ऐसी फीलिंग सबको आ रही है आज की डेट में। सो दिस इज़ इट गाइज, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इस टाइप से लोग चेंज होते चले जा रहे हैं मूवीज़ में, ठीक है, बदलाव आ रहे हैं, कई कैरेक्टर्स चेंज हो जा रहे हैं, बैटमैन चेंज हो गया, स्पाइडरमैन चेंज हो गए, जेम्स बॉन्ड अभी चेंज हो जाएगा, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से जैक स्पैरो चेंज हो जाएंगे, पॉल वॉकर तो रहे नहीं इस दुनिया में, फास्ट एंड फ्यूरियस में उनकी जगह बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं, वो वहाँ से हट गए। तो सोचिए इस टाइप की चीज़ें घट रही हैं बहुत ज़्यादा और घटेंगी इन फ्यूचर भी, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट जो लेजेंड हैं जैसे कि वुल्वरिन, ह्यूज जैकमैन, इन सब की जगह कोई नहीं ले सकता, जैक स्पैरो की जगह जॉनी डेप के अलावा और कोई और नहीं ले सकता। सो यही सारी फीलिंग्स के साथ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, यहाँ आप देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करें, साथ में आने वाले इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तरह आप भी मेरे साथ इमोशनली अटैच हो जाएं और डैनिस्ट फैमिली का हिस्सा बन जाए। तब तक के लिए गाइज कीप लविंग डैनिस्ट, कीप वॉचिंग दानिश एक्सट्रीम एंड चाओ।